नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं दीप्ति शर्मा, जो हमेशा शर्मा परिवार से आती हैं और बाबा साहब की बात भी करती हैं और आजकल बहुत चर्चित चेहरा भी बन चुकी हैं दीप्ति शर्मा। दीप्ति जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। दीप्ति, आप बाबा साहब की बात करती हैं तो बाबा साहब से एक रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा कि बाबा साहब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस देश के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके ना ही बाल तक नहीं काटता था, उनकी परछाई तक से दूर रहा जाता था, उस बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर उस देश का संविधान लिखने का अधिकार उनको क्यों दिया गया वो बताएं। सॉरी सर, मैं एक बात इसमें बोलना चाहूँगी कि उनको देश के संविधान लिखने का अधिकार किसी ने दिया नहीं था। दरअसल बाबा साहब देश की वो पहचान थी, और गांधी और नेहरू जो उस समय के सबसे दिग्गज नेता माने जा रहे हैं और आज भी लोग वो दिग्गजों की गिनती में आ रहे हैं, उन्हें भी ये पता था कि भारत जैसे देश का संविधान लिखना बहुत ही आम बात नहीं थी, और बाबा साहब को वो अधिकार किसी ने दिया नहीं था। बाबा साहब ने वो कैपेबिलिटी कमाई थी उन सब संघर्षों को करके। आप ही कह रहे हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना ही उनके बाल नहीं काट रहे, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके छुआ कोई पानी तक नहीं पी रहा है, ऐसा इंसान पूरा देश बना दे रहा है, आज हम सब भारतीयों की पहचान बना दे रहे हैं, तो उनको अधिकार देना तो किसी के बस की बात ही नहीं है। और दूसरी बात, संविधान बनाना कोई आज का इकोनॉमी बनाने जैसा तो है नहीं, तो बाबा साहब जो थे दोनों हाथों से लिखते थे। लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि बाबा साहब की इंटेलिजेंसी, बाबा साहब की कैपेबिलिटी जिसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता था, उन्हें इस हमें प्राउड है कि हमारे पास बाबा साहब जैसे इंसान रहे, हमारे संविधान निर्माता रहे हैं। आज भी आप देखिए, बाबा साहब द्वारा बनाए गए जो संविधान है भारत का, उसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। लोग संविधानों की जब बात की जाती है तो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की बात उसमें करना कोई नहीं भूलता, वो उदाहरण है। तो उस समय बाबा साहब जब पढ़ने का अधिकार भारत में उन्हें नहीं दिया गया था, ठीक है, आज की तरह तो नहीं था, क्योंकि पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में थी, और अंग्रेज़ों को चाहिए था कि जो क्वालिटी हो, उनको उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बाबा साहब वो मुखर प्रतिभा थे, वो दोनों हाथों से लिखते थे, वो बहुत ही कम समय में उन्होंने कितने ही देशों के संविधान को पढ़ डाला। उन्होंने सबसे पहले अपने देश को एकदम रूट लेवल पे जाके उस देश को समझा, क्योंकि हमारे देश में आदिवासी से लेके जो ब्राह्मण वर्ग तक इतने सारे वर्ग हैं, इतनी सभ्यता, इतनी संस्कृति, इतनी डाइवर्सिटी है, उन सबको समेट पाना किसी के बस की बात नहीं थी। इसीलिए बाबा साहब को वो अधिकार नहीं मिला था, बाबा साहब ने वो कमाया था, बाबा साहब के अलावा वो कोई कर ही नहीं सकता था, इसीलिए बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, उनको इतने लोगों में बैठ के उन्होंने संविधान बनाया, वो लोग भी तो सवर्ण ही थे, ये थे, तो दरअसल कोई किसी को मौका नहीं देता है, वो उनकी कुव्वत थी, और उस कुव्वत को सभी ने सलाम किया है, और इसी वजह से आज हम बाबा साहब को इतनी इज्जत से, और बाबा साहब हम सबके दिलों में इसीलिए बसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने हमें आँख बंद करके किसी दूसरी जगह पर चले जाने को नहीं कहा, उन्होंने वाकई में हमें वो भूमि, हमें वो आधार दिया है जो हम सब, जिसकी वजह से हम सब लोग आज जिंदा हैं। अंग्रेज़ों की मूल शर्त तो यही थी ना कि जब तक आप अपना संविधान नहीं बना लेंगे तब तक हम आपको आज़ाद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये लोग कभी भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकेंगे, राइट। तो आप ये सोचिए कि जहां आज हम सब बाबा साहब, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन्हें खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि अंग्रेज तक उन लोगों पर यकीन नहीं करते थे कि ये लोग कभी भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस सवाल में ही ये जवाब छिपा हुआ है। बाबा साहब को कोई अधिकार किसी ने दिया नहीं, ना ही कोई इतनी जहमत उठा, मतलब किसी को इतना हक या इतनी क्षमता किसी में थी ही नहीं, या आज भी नहीं है। वो उनकी मतलब उनकी कमाई हुई जो शिक्षा थी, उनकी जो नॉलेज थी, उनका जो व्यक्तित्व था, वो बोल रहा था।
कौन है जो दोनों हाथों से लिख सकता है, जो इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान रख सकता है, जो इतने कम समय में इतने सारे देशों का के संविधान का अध्ययन कर सकता है। भारत जैसा देश जो आज भी लोगों की समस्या परे है, आज भी इतने सारे भारत के पहलू हैं जो अनदेखे अनछुए हैं, ऐसे और उस समय जहाँ पे ब्रिटिश शासन जाने लग रहा था लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा था, उस समय में विभाजन की बातें भी चल रही थी, उस समय में बाबा साहब जैसा ही एक जो नेता है वो उठ के और उन पूरे देश को एक किताब में समेट ले रहा है। ये क्षमता आप किसी में सोच भी सकते हैं? जो आप ये प्रश्न जो लोग खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्षमता आप किसी और इंसान में सोच भी सकते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगी इस बारे में। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।